दोस्तों, मैं पूरे सम्मान और आदरपूर्वक यहां निमंत्रित करती हूं इस शिव भूमि में समर्थ भारत के समर्थ पंत प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। आई तुलजा भवानी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांना माझा साष्टांग दंडवत। सातारा के पराक्रमी भूमि पर मुझे पहले भी कई बार आने का सौभाग्य मिला है और इसलिए सातारा के सत्कार से मैं हमेशा परिचित रहा हूं। आज जिस प्रकार आप यहां भारी संख्या में मुझे और मेरे तमाम साथियों को आशीर्वाद देने के पहुंचे हैं, इसके लिए मैं आप सबको नमन करता हूं। आपका उत्साह, आपका जोश विपक्ष के होश उड़ा रहा है। जब उदयन राजे जी बोल रहे थे, मेरा मन करता था मैं सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। एक एक शब्द दिल की गहराई से निकल रहा था। भाइयों और बहनों, सातारा संतों की भूमि है। समाज को, देश को दिशा देने वाले नेतृत्व की भूमि है। वीर संभाजी, वीर साहू जी, समर्थ रामदास स्वामी, राम शास्त्री प्रभु ने, श्रीमंत प्रताप सिंह, सावित्रीबाई फुले, क्रांति सिंह नाना पाटिल जैसे अतुलनीय सामाजिक और आध्यात्मिक नेतृत्व इसी धरती से निकले हैं। और यशवंतराव चव्हाण जी जैसा विजनरी राजनेता भी सातारा ने देश को दिया है। मेरे लिए तो सतारा एक प्रकार से गुरु भूमि भी है। उदयन राजे जी ने बड़ा आदरपूर्वक उस बात का उल्लेख किया और आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं जिन संस्कारों में पला बढ़ा हूं जिनसे मैंने शिक्षा दीक्षा पाई है वे सतारा का खटाव गांव के लक्ष्मण राव जी इनामदार जिनको हम लोग गुजरात में वकील साहब कहा करते थे उनकी ये जन्मस्थली है और उनकी शिक्षा दीक्षा यही हुई थी। बाद में वो गुजरात आए और मेरे जैसे की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेवारी उन्होंने संभाली और इसलिए मेरे लिए गुरु भूमि भी है। यही कारण है कि सातारा की यात्रा मेरे लिए
तीर्थ यात्रा के भी समान है। भाइयों और बहनों, यह गौरवपूर्ण इतिहास की घटनाओं को स्मरण करने का रोमांचकारी अनुभव है। आज भी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के पीछे से जब सूरज निकलता है तो लगता है कि हाथ में केसरी ध्वज लहराते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज चले आ रहे हैं। यही वह पवित्र भूमि है जहां शिवाजी महाराज मां भवानी के मंदिर के दर्शन किया करते थे। भाइयों और बहनों, आज तक भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ शिवाजी महाराज के संस्कार थे और अब हमारे पास शिवाजी महाराज के संस्कार के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी हमारे साथ है। संस्कार और परिवार का यह संगम वीर शिवाजी के सपनों का महाराष्ट्र, उनके सपनों का अखंड हिंदुस्तान, एकता, अभेद्यता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सपनों का भारत बनाने में हमें एक नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया संबल मिलेगा। भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्षों से महायुति की सरकार ने केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी शिवाजी महाराज के संस्कारों के अनुसार ही काम करने का पूरा प्रयास किया है। राष्ट्र रक्षा और राष्ट्रवाद को हमने प्राथमिकता दी है। भारत भूमि पर बुरी नजर रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शिवाजी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए सशक्त सेना को प्राथमिकता दी। उस काल में भी उन्होंने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया था। बीते 5 वर्षों में हमारी सरकार ने भारत की सेना को दुनिया की ताकतवर सेनाओं की पंक्ति में लाकर के उस श्रेणी में खड़ा कर दिया है। जल हो, थल हो, नभ हो या अंतरिक्ष हो, एक के बाद एक आधुनिक अस्त्र शस्त्र आज भारतीय सेना का एक अटूट हिस्सा बन रहा है। राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र के एकीकरण के लिए महायुति की सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनको लेने की हिम्मत पहले नहीं दिखाई देती थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज यहां महाराष्ट्र में जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए उठाए गए हर कदम का विरोध किया। भाइयों और बहनों, सातारा ने महाराष्ट्र के लिए अनेक शूरवीर दिए हैं। यहां के अपसिंगे मिलिट्री गांव तो जैसे राष्ट्र रक्षा के लिए ही समर्पित है। वहां के घर घर से राष्ट्र रक्षक निकले हैं।
ऐसे संस्कार जहां के हो वहां राष्ट्र का हित करने वाली राजनीति को जगह भला कैसे सहन हो सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता जब हमारे वीर जवानों के शौर्य पर सवाल उठाते हैं तो सबसे ज्यादा ठेस मेरी इस सतारा की भूमि को पहुंचती है। जब ये राफेल जैसे आधुनिक जहाज को लेकर अपप्रचार करते हैं तो मुझे विश्वास है कि राष्ट्रभक्तों की धरती को अपार पीड़ा होती है। जब ये आर्टिकल 370 को लेकर अफवाहें फैलाते हैं तब पूरा सतारा गुस्से से भर जाता है। जब वीर सावरकर जैसे राष्ट्र नायकों को ये बदनाम करने का प्रयास करते हैं तब सतारा का पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस और एनसीपी के नेता जन भावनाओं को नहीं समझ पा रहे और जिसकी सजा पिछले लोकसभा के चुनाव में पूरे देशवासी दे चुके हैं और इस बार भी चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो कड़ी से कड़ी सजा जनता जनार्दन देने वाली है। बल्कि इस बार तो उनकी हालत और भी खस्ता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सातारा को कभी ये अपना अभेद्य किला माना करते थे वहां से लोकसभा चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे। कभी ये सीट एनसीपी के पास थी लेकिन एनसीपी वालों ने पृथ्वीराज चव्हाण जी को यहां से उतरने के लिए कहा लेकिन जमीन पर जो हालात है उनको भांपते हुए उन्होंने कहा नहीं भाई माफ करो। उन्होंने वहां से उल्टा पासा फेंका और कहा कि शरद राव क्यों नहीं मैदान में उतरते। लेकिन शरद राव है, वो हवा के रुख को भली भांति जानते हैं, उसके वो बड़े खिलाड़ी है और इसलिए उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया जी नहीं मेरा काम नहीं है। साथियों, ये जो किस्सा मैंने आपको बताया है ये कोई सीक्रेट नहीं है बल्कि ये खुद पृथ्वीराज चव्हाण जी का बयान है। अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है, ये सातारा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की युति की यही एक सच्चाई बची है। वहां दलों के भीतर भी दंगल है और दोनों दलों को नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जोरों का दंगल चल रहा है। वो एक दूसरे को हैसियत बताने के लिए बिसात बिछा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा शिवसेना की महायुति महाराष्ट्र को और महान बनाने के मिशन पर निकल पड़ी है। भाइयों और बहनों, जहां कार्यकर्ताओं में गठबंधन में ही बंटवारा है वो महाराष्ट्र के समाज को एकजुट भला कैसे कर सकते हैं। इनकी राजनीति का एक ही आधार है, बांटो 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 और मलाई खाओ। ये संस्कार छत्रपति शिवाजी के बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तो समभाव और सद्भाव से राष्ट्र सेवा का मार्ग हमको दिखाया है। इसी रास्ते को
बीते 5 वर्षों में महायुति की सरकार ने सशक्त किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको हमने शासन का मूल मंत्र बनाया है। साथियों, विकास में हर व्यक्ति, हर क्षेत्र की भागीदारी हो, हमने ये सुनिश्चित किया है। केंद्र और राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहां के लिए दिए हैं। इसमें सड़कों पर, हाईवे पर ही हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कराड़ गुहागर की 4 लेनिंग का काम हो या सातारा कागल की 6 लेनिंग का काम, ऐसे अनेक प्रकल्प पर आज काम चल रहा है। वरना पहले विकास के नाम पर कैसी राजनीति यहां पर होती थी, इससे आप भली भांति परिचित हैं। मैं आपको पानी का ही उदाहरण देता हूं, जिसके लिए इस जिले का पूर्वी क्षेत्र तरसता रहा है। 90 के दशक में जब महायुति की सरकार थी, तब यहां पानी की समस्या को देखते हुए कुछ डैम के काम स्वीकृत हुए थे, लेकिन महायुति की सरकार गई, डैम की वो फाइलें भी दब गई। 2014 के बाद केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र को अवसर आपने दिया, पुरानी फाइलें खुल गई। अब सिंचाई की तमाम परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है और इसमें लक्ष्मण राव जी इनामदार की स्मृति में बन रहा कांटापुर योजना भी उसका एक हिस्सा है। भाई और बहनों, महाराष्ट्र के मेहनती शेतकरी समाज के नाम पर बातें और वादे बहुत किए गए, उनके नाम पर नेतागिरी भी बहुतों ने चमकाई, लेकिन सही मायने में शेतकरी समाज के बारे में सोचने का काम महायुति सरकार ने ही किया है। सिंचाई से लेकर कमाई तक के तमाम प्रयास हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सभी किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ सीधा उनके खाते में पहुंच रहा है। लघु किसान परिवारों, खेत मजदूरों को, छोटे छोटे दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की सुविधा भी तय हो चुकी है। साथियों, गन्ना किसानों की मुश्किलों को हल करने के लिए हर संभव कोशिश बीते 5 वर्षों में की गई है। गन्ने के लाभकारी मूल्य को लागत का 1.5 गुना से अधिक तय किया गया है। जब भी कोई समस्या हुई है, हमने ये कोशिश की है कि किसानों को उनका बकाया समय पर मिले। अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बकाया हो या फिर दूसरी मदद, वो सीधी गन्ना किसान के बैंक खाते में ही पहुंचेगी। हाल में ही केंद्र सरकार ने 60 लाख मैट्रिक टन चीनी के निर्यात पर 6000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, हमने ये भी तय किया है कि ये सब्सिडी भी सीधे गन्ना किसानों के खाते में जाए। भाई और बहनों, गन्ना किसानों को सिर्फ चीनी के भरोसे ना रहना पड़े, इसलिए इथेनॉल के उत्पादन पर भी बल दिया जा रहा है। देश भर में इसके लिए आधुनिक फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल में करीब करीब
10% तक के इथेनॉल का उपयोग किया जा सके। जैसे जैसे इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे गन्ना किसानों को भी अधिक लाभ मिलना तय है। साथियों, किसान हो, जवान हो या युवा, महायुति की सरकार हर वर्ग के लिए समर्पित है। समाज के हर व्यक्ति, हर परिवार को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में उचित अवसर मिले, इसके लिए हमने एक के बाद एक कदम उठाए हैं। मराठा समाज को आरक्षण हो, सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को इतिहास में पहली बार मिला हुआ आरक्षण हो, ये महायुति की ही सरकार ने करके दिखाया है। महायुति की सरकार का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि किसी का शोषण ना हो, किसी का हक ना मारा जाए। बीते 5 वर्ष में महिला सशक्तिकरण को भी अभूतपूर्व बल मिला है। हमारी बहनों की सुरक्षा से लेकर सम्मान के लिए पहली बार बड़े कदम उठाए गए हैं। सामाजिक सद्भाव की यही नीति पूरे देश को पसंद आ रही है, इसलिए पूरे देश का स्नेह और आशीर्वाद हम सब साथियों को मिल रहा है। भाइयों और बहनों, समाज में जब सद्भाव होता है तब उद्योग लगते हैं, उद्यमशीलता बढ़ती है। आज मुद्रा योजना के तहत पूरे देश में स्वरोजगार से युवा जुड़ रहे हैं। स्वरोजगार और रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम टूरिज्म है। सातारा के पास तो इतना कुछ है, इतना कुछ है। यहां इतिहास का गौरव भी है, आध्यात्म की ताकत भी है और प्रकृति की छटा भी यहां मौजूद है। सर्वात चांगली फुले असावी, तरकास पठारातील। सर्वात चांगला धबधबा असावा, तर वैजराईचा। टूरिज्म की इन संभावनाओं को बढ़ाने के लिए यहां कनेक्टिविटी की सुविधाओं पर बल दिया जाएगा। हमारा ये प्रयास रहेगा कि सातारा देश और दुनिया के हर टूरिस्ट के 15 बेस्ट डेस्टिनेशन में ये हमेशा बना रहना चाहिए। सातारा ने स्वच्छता के मामले में जो रिकॉर्ड बनाया है उससे भी इसमें मदद मिलने वाली है। और स्वच्छता के इस अभियान के लिए मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। साथियों, महाराष्ट्र के विकास के लिए जो भी संकल्प हमने लिए हैं वो तभी सिद्ध हो सकते हैं जब आप महायुति के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में विजयी बनाएंगे। ये तभी होगा जब 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को क्या है 21 अक्टूबर को क्या है अरे जरा जोर से बताइए ना 21 अक्टूबर को क्या है 21 अक्टूबर को क्या है अरे 21 अक्टूबर को सोमवार है। और रविवार की छुट्टी, फिर दूसरे दिन सोमवार की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी, तो फिर मन करेगा चलो कुछ काम पुराने बाकी है कर ले। लोग वोट तो देने ही वाले हैं और शिवेंद्र जी हैं, उदयन राजे जी हैं, तो इस बार तो बड़ा बेड़ा पार है। मैं वोट दूं या न दूं, मैं तो चला जाऊंगा, मुंबई का काम करके आ जाऊंगा, पुणे का काम करके आ जाऊंगा। मेरी आपसे प्रार्थना है
संडे मंडे दोनों छुट्टियां होने के बावजूद भी हम अपना पोलिंग बूथ नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात मानेंगे, पक्का मानेंगे। मेरी दूसरी भी एक बात है, आज क्या एक काम मेरे लिए आप कर सकते हैं? क्या मेरे लिए करेंगे? शिवेंद्र जी और उदयन राजे जी, अब तक जितने ज्यादा वोटों से जीते हैं वो सारे रिकॉर्ड तोड़ के देंगे क्या? उनके ही सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। तो मेरी बात पूरी करोगे आप लोग? मैं बराबर देखूंगा रिजल्ट। मुझे विश्वास है आप बहुत बड़ी ताकत लगाने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप घर घर जाने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप लोकसभा के वोटिंग के रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं। मुझे विश्वास है इस बार पुरुषों से महिलाएं ज्यादा वोट करने के लिए निकलने वाली है। हर बूथ मजबूत हो। अब पूरा समय 21 तारीख शाम को मतदान पूरा हो तब तक पूरी ताकत बूथ में लगाएंगे, मतदाताओं के घरों में जाएंगे, एक एक मतदाता को लोकतंत्र के इस महाउत्सव में जोड़ने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे। मला माहित आहे, मा जनादेशाचा तुमचा निर्धार पक्का आहे। आपण सारे फक्त मतदानाच्या तारीखेचीच वाट पाहत आहे। मेरे साथ बोलेंगे? बोलेंगे? मैं कहूंगा पुन्हा आणूया, आप बोलेंगे आपले सरकार। पुन्हा आणूया, पुन्हा आणूया, पुन्हा आणूया। आप सब हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, एक बार फिर आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय महाराष्ट्र, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद।